और अब बढ़ता है कि इस बीच खबर है भोपाल से। दरअसल आदिवासी शिक्षित युवाओं के लिए खुशखबरी आई है। आदिवासी युवाओं को अब सीधी भर्ती का लाभ मिलेगा। बैगा, भारिया, सहरिया जनजातियों के युवाओं को तोहफा दिया है सरकार ने। युवाओं की भर्ती के लिए सरकार अभियान चलाएगी। शासकीय नौकरी में भर्ती के लिए विशेष अभियान चलेगा। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के 5-5 गांव विकसित किए जाएंगे। 5 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। इन गांवों में मॉडल आंगनबाड़ी भी तैयार की जाएगी। मंत्री विजय शाह ने संभागीय बैठक में इस बात को लेकर निर्देश दिए हैं। सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है, बड़ी सौगात। आदिवासी युवाओं के लिए, जो शिक्षित युवा हैं, उनके लिए सरकार युवाओं की भर्ती के लिए अभियान चलाएगी और ये खुशखबरी है शिक्षित युवाओं के लिए। आदिवासी युवाओं को अब सीधी भर्ती का लाभ मिलेगा। बैगा, भारिया, सहरिया जनजातियों के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि गांवों को और ज्यादा विकसित किया जाएगा। जनजाति बाहुल क्षेत्र के 5-5 गांव विकसित किए जाएंगे और 5 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। इन गांवों में मॉडल आंगनबाड़ी भी तैयार की जाएगी। संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शब्बीर, ये आदिवासी युवाओं के लिए सरकार का ये निर्देश, ये फैसला बड़ी खुशखबरी साबित हो रहा है, बड़ा तोहफा है आदिवासी युवाओं के लिए, शिक्षित युवाओं के लिए। बिल्कुल, संभव बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज करीब 22% है और उनको लेकर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। आदिवासी कल्याण मंत्री हैं विजय शाह, उनकी तरफ से एक बैठक बुलाई गई थी, तमाम अधिकारी मौजूद थे और उसके अंदर 2-3 बड़े निर्देश उनकी तरफ से दिए गए कि अभियान चलाए जाए और आदिवासी इलाकों में और वहां से शिक्षित जितने भी युवा हैं उनको चिन्हित किया जाए और फिर सीधी भर्ती का इनको लाभ दिया जाए, जो न्याय संगत है। बाकायदा इसको लेकर निर्देश दिए गए और कहा गया है कि अभियान में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आदिवासी जो बहुल इलाके हैं वहां पर यह अभियान चलाया जाना है, बच्चों को चिन्हित करके लाया जाए, फिर उनको बताया जाए कि कौन कौन सी भर्ती आप दे सकते हैं जिसके अंदर सीधी भर्ती का आपको लाभ मिल सके। क्योंकि आदिवासी हो या एसटी वर्ग, एससी वर्ग की बात की जाए, इन युवाओं को, क्योंकि पिछड़े इलाकों में रहते, तो इन युवाओं को पता ही नहीं रहता है कि सरकार की तरफ से जो भर्ती निकाली गई है इसके अंदर सीधी भर्ती होती है या नहीं होती। तमाम चीजों की जानकारी देने के विजय शाह की तरफ से निर्देश दिए गए हैं अभियान चलाकर। इसके अलावा उनके पास उनकी तरफ से एक निर्देश और दिए गए हैं कि जितने भी आदिवासी बहुल इलाके हैं उन इलाकों के 5-5 गांव को चिन्हित किया जाए और इन गांवों को आदर्श गांव बनाया जाए और इसके अंदर तमाम सुविधाएं दिए जाए, चाहे आंगनवाड़ी हो, मॉडर्न स्कूल हो, सीएम राइज स्कूल हो, वहां पर एलईडी लगाए जाए, सीसीटीवी लगाए जाए, एक तरीके से आदर्श ग्राम के तौर पर बनाने का फैसला लिया गया है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द एक पूरी रूपरेखा बनाई जाए, कौन कौन से गांव किन किन इलाकों के चिन्हित किए जा रहे हैं। तो एक बड़ा फैसला आदिवासी समाज को लेकर, युवाओं को लेकर संभव यह लिया गया है सरकार की तरफ से। सभी बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।